Collective behavior and social movements. Collective behavior and social movements have been instrumental in engineering social change, including regime change, and impacting the policy space in many societies. So, in fact, in the past 200 years, they have become a part of the popular and global expression of dissent. The political class. Supported by elite groups and state institutions, most times does not concede to popular demands until some form of public agitation and witnessed by the society. So the collective behavior means when the majority of the people, or not if not a majority, some inf some. Accountable number of the people they think alike and they try to change the existing social pattern. Then they try to initiate some kind of movement. It can be agitational, it can be in, uh, in the shape of the protest. So, therefore, the social researchers have contemplated the rationale behind social change to social statics. द पोलिटिकल प्रोसेस थेरी एम्फोसाइजिज द एगजिस्टेंस ऑफ पोलिटिकल ओपरचुनिटीज एज इसेंशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ सोशल मूवमेंट वो लोग वो फिलासफर जो पोलिटिकल प्रोसेस थेरी को बिलीव करते हैं देव द परसपेक्टिव दैट मीन देयर आर पोलिटिकल ओपरचुनिटीज अगर तो पोलिटिकल ओपरचुनिटीज़ अवेलेबल हैं यानी ऐसी गुंजाइश या मार्जिन सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है तो देन डेफिनेटली दे कैन फॉर्मुलेट सोशल मूवमेंट अगर तो ऐसा मौका होगा तो देन डेफिनेटली लोग मिलकर मूवमेंट को रन कर सकते हैं अब अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद है अपॉर्चुनिटी से मुराद ये है कि अगर किसी पॉलिसी के खिलाफ हैं लोग किसी पॉलिसी से मुतमिन नहीं है और दे सम रिफॉर्म्स इन द एगजिटिंग सेटअप तो देन डेफिनेटली पीपल वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस सम काइंड चेंज देन दे कम टूगैदर एंड दे ट्राई टू लॉन्च अ मूवमेंट अकॉर्डिंग टू दिस थेरी थ्री वाइटल एलिमेंट ऑफ मूवमेंट फॉर्मेशन आर इंसरजेंट कॉन्शियसनेस कलेक्टिव सेंस ऑफ इनजस्टिस यानी अगर तो लोगों को मजमुही तौर पर यह ख्याल है के जो जस्टिस है वो उनको नहीं मिल रहा उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा अब इंसाफ से मुराद ये भी है कि वो मुतालबाशी बुनियाद पर हो सकता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है या उनका ख्याल है कि ओवरऑल माशरे में उनको सही मुकाम हासिल नहीं है देन डेफिनेटली अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ इन लीडरशिप एंड रिसोर्सेज या अगर कोई ग्रुप ये ख्याल करता है कि उसका लीडर इतना स्ट्रॉन्ग है उनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी मज़बूत है कि वो जब चाहें कोई तहरीक चला सकते हैं एग्जिस्टिंग सेटअप के ख़िलाफ़ तो तब भी मूवमेंट्स जो हैं ये रन की जाती हैं फिर उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है दैट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज अगर एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कुछ गैप्स मौजूद हैं तो उन गैप्स का फ़ायदा उठाते हुए भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए कलेक्टिवली कुछ मूवमेंट्स जो हैं वो रन की जा सकती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पर ये जो थेरी है इसके अंदर बुनियादी दो जो खामियां हैं वो मौजूद हैं एक तो ये है कि इसका फोकस मूवमेंट पर फोकस करना नहीं है बल्कि उन फैक्टर्स को हाईलाइट करना है कि किस तरीके से कौन सी वजूहत हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पर लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट की तरफ जा सकते हैं या तहरीक चला सकते हैं तो ख़ास तौर पर ये कहना कि वो जो टाइमिंग होती है उसको इन्होंने इग्नोर किया जिस टाइमिंग की वजह से तहरीकें जन्म लेती हैं क्योंकि कोई भी तहरीक उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकती अगर वो अप्रोप्रिएट टाइम पर लॉन्च ना की जाए यानी सोशल चेंज के लिए अगर इजमाही जदोजहद करनी है तहरीक चलानी है तो उसके लिए सबसे अहम क्या बात है कि अहम तरीन टाइम फैक्टर होता है कि टाइम ऐसा इम्पोर्टेंट हो कि जिसमें लोगों को साथ मिलाया जा सके देन डेफिनेटली पोलिटिकल अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि पोलिटिकल अपॉर्चुनिटी अगर आज नज़र आ रही है हुकूमत ने कोई स्टेप ले लिया तो वो पोलिटिकल अपरचुनिटी जो है वो ख़त्म भी हो सकती है फिर इसमें चूँकि तीन हमने बुनियादी फैक्टर्स देखा था कि इंसरजेंट्स भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ हो सकती है लीडरशिप भी हो सकती है तो ये कहा जा सकता है कि ये तो ये देखना पड़ेगा कि जिस वक्त तहरीक चलाई गई उस वक्त सबसे अहम रोल जो था वो किसका था इसमें जो इसी के साथ शामिल किया जाता है एक और मॉडल वो है पॉलिटिकल मीडिएशन मॉडल इसमें अहम बात ये हो जाती है कि ये देखा जाए कि मूवमेंट चलाने के लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं और उसके लिए कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं यानी अगर तहरीक नहीं चलानी तहरीक का नारा लगाना है तो उससे क्या हासिल होगा और अगर तहरीक चलानी है तो उसके साथ कौन से मकासद हैं लिंक्ड हैं जिनको हासिल करने के लिए तहरीक चलानी है यानी कलेक्टिव बिहेवियर एंड सोशल मूवमेंट्स के कॉन्सेप्ट में हमें ये देखना है कि क्या तहरीक कौन चला रहा है तहरीक के मकासद क्या हैं तहरीक से हासिल क्या करना है अगर ये सब एक लाइन पर होंगे तो देन डेफिनेटली सोशल चेंज लाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं